हेलो दोस्तों, गुड 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 मॉर्निंग भाई फ्रॉम कनाडा। एंड लो जी भाई, वेंसडे का दिन हो गया है शुरू और एक और डिस्कशन लेके आपके सामने भाई हाजिर हो गए हैं। देखो गाइस, थोड़े दिन पहले इमिग्रेशन मिनिस्टर हमारे मार्क मिलर साहब ने भाई अनाउंसमेंट की थी कि अगर आपका प्रोग्राम 15 मई या उससे बाद स्टार्ट हो रहा है, तो पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ भाई, तो आप भाई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये क्लियर कट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, क्लियर कट हमें उन्होंने बता दिया वो, ठीक है जी। क्योंकि भाई पहले ये सितंबर था, तो वो डेट जो थी वो पहले कर दी गई है, अब वो डेट कर दी इन्होंने जी 15 मई। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोगों के भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी हमारा प्रोग्राम 20 मई को शुरू हो रहा है, क्या हमें टेंशन लेने की जरूरत है? कोई कह रहा है जी 27 को हो रहा है, हमें टेंशन लेने की जरूरत है? देखो जी, आपको भाई ये चीज समझनी पड़ेगी कि जी 15 मई अगर उन्होंने बोला है, तो 20 मई वाले कैसे एलिजिबल हो जाएंगे? बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है भाई, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। 20 मई से अगर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और आप भाई पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ना लेके आ रहे हो, तो भाई आपके लिए टेंशन है, आपके लिए टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। क्योंकि भाई देखो, स्टडी के बाद अगर वर्क परमिट ही नहीं मिल रहा, तो भाई मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे फिर आना चाहेगा, क्योंकि उस लेवल की स्टडी तो है नहीं कि हम भाई 30-35 लाख लगा के स्पेशल हम स्टडी करने आ रहे हैं कनाडा में, और चाहे वर्क परमिट मिले ना मिले, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसे आएगा, ठीक है जी। तो भाई जिसका प्रोग्राम 15 मई या उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं अगेन, ठीक है जी, तो आपको भाई सोचना पड़ेगा कि आपको भाई आप फिर टेंशन में हो, मतलब आपका फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये तो भाई फिर बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। हाँ, मैं मानता हूं भाई ये चीज थोड़ी सी पहले अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि यार अभी 15 मई, मतलब मई वाले तो बच्चे अभी ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होगा यार, सब कुछ ही हो चुका होगा, है ना। मतलब एकदम से ये चीजें लेके आना, है ना, मतलब यार मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेयर नहीं है, मुझे लगता है ना। मतलब थोड़ा पहले बोल देते ताकि बच्चे ना ही अप्लाई करते, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है ना, पहली देख के करते। बट यार अभी फिर यार एकदम से कि भाई 15 मई, हो सकता है भाई बहुत सारे कॉलेजेस की जो क्लासेस हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो 15 मई या उसके बाद स्टार्ट हो, और उनका ऑलरेडी वीजा भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस हों। लेकिन यार अब उनके मन में देखो क्या बेहतरी होगी यार, है ना। एक होता है ना, एक ड्रीम ही होता है यार कि आपने भाई इतना मेहनत की, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ हुआ ना, फिर एकदम से ऐसी न्यूज आ जाए तो यार दिल तो भाई टूटता है। देखो दिल तो टूटता है, अच्छा खासा दिल टूटता है। बट इस केस में गाइस देखो, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है जी, आप भाई चुपचाप अपनी फीस वापिस करवा लो, फीस वापिस करवा लो फिलहाल, और किसी पब्लिक जो कॉलेज है उसमें आप ट्राई करो, उसमें आप ट्राई करो। देखो एक चीज और भी होती है भाई, कि लोग बोलते हैं ना कि यार एक बार आप चले जाओ, एक बार आप चले जाओ वहां पे जाके चेंज करवा लेना। यार पता है क्या, एक बार चले जाओ के चक्कर में देखो क्या होगा ना, फिर आप आ जाओगे, हो सकता है फिर आपको बाद में एडमिशन ना मिले, सीट्स फुल हो जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो कम हो गई बहुत ज्यादा, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ सीट्स तो देखो कम हुई है, क्योंकि और सिर्फ अब लोग सिर्फ पब्लिक कॉलेजेस में ही आएंगे ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं वो, वहां पे तो लोग वैसे ही नहीं आएंगे, वो वैसे ही बंद हो जाएंगे भाई थोड़े टाइम में, है ना। तो आपकी सीट्स तो वैसे लिमिटेड हो गई, और इन्होंने स्टडी वीजा वैसे लिमिटेड देने हैं, तो भाई कहीं ना वो फिर यार एक रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है कि यार कॉलेज बाद में चेंज हो ना हो, फिर आप फंसे रहोगे बीच में, ना इधर के ना उधर के। तो इससे अच्छा है भाई अपना सोच समझ के डिसीजन लो। आई नो बहुत सारे एजेंट बोलेंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट बोलेंगे कि भाई कोई चक्कर नहीं है जी, आप ये कर लो, कुछ नहीं होता, आप चले जाओ वहां पे। भाई साहब, मैंने मतलब ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग बोलें कि भाई 20 मई का कोई चक्कर नहीं है जी, आपकी क्लासेस 27 से शुरू हो रही है, 26 से हो रही है, कोई चक्कर नहीं है जी, यू आर सेफ। भाई कैसे सेफ हो, कैसे सेफ हो यार, आप स्टेटमेंट जाके चेक कर लो, क्लियरली 15 मई उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका प्रोग्राम 15 मई से शुरू हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर चाहे आपका कोई कंसल्टेंट आपको कुछ बोल रहा है, चाहे एजेंट कुछ बोल रहा है, भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ की बिनती है, किसी की बातों में ऐसे मत आओ, फंस जाओगे आप। अभी तो टाइम है आपके पास कि आप फीस वापिस करवा सकते हो, या और
ऑप्शन आप देख सकते हो कॉलेज वगैरह का, अगर वहीं से कुछ चेंज होता है। बट अगर आप यहाँ पे आके कहोगे कि यार चेंज कर लूंगा, एक तो नई कंट्री भाई, नया माहौल, फिर आप काम भी देखना है, आपने ये करना है वो करना है भाई, फिर कुछ और ही बन जाता है, ठीक है ना। पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, इससे अच्छा है भाई सही तरीके से अच्छी गाइडेंस के साथ अपना डिसीजन लो, ठीक है। अभी तो भाई फीस आपने चलो भरी है, पैसे आपके लगे हुए हैं, वापिस आ सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको और ज्यादा उस चीज के लिए रिग्रेट हो एंड आपका कुछ और ही बन जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार, मेरा मेन मोटिव यही था इस वीडियो का कि भाई, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे कि हाँ जी मेरा क्लासेस 20 से शुरू हो रही है, 25 से, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा है जी अब क्या किया जाए, वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई आप ऑप्शन देखो, ठीक है जी। सिर्फ ये नहीं कंसल्टेंट ने ये बोल दिया तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, एजेंट ने ये बोल दिया तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। अपना भी दिमाग लगाओ, अपनी सारी चीजों को वेरीफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो प्रॉपरली, कैन इमिग्रेशन की वेबसाइट को भाई छान मारो यार, ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीजें आप चेक करो एंड टाइम लेके सही तरीके से भाई डिसीजन लो, क्यों टाइमली डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई 15 महीने नजदीक आ जाए और फिर आपका फीस वगैरह भी वापिस ना हो और पैसा भी गया और वर्क परमिट भी ना मिले, तो भाई फिर तो वो बात हो जाएगी कि पैसा भी गया, टाइम भी गया, कुछ मिलना है नहीं, और एजेंट ने भाई जो अपना कमीशन लेना था वो ले गया, है ना। तो भाई सोचो, चीजों को समझो एंड अकॉर्डिंगली भाई अपना प्लान आउट करो, एंड बाकी यही मोटिव था जी इस वीडियो का, एंड बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम। भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, PRK ड्रॉ धड़ाधड़ आ रहे हैं भाई, ठीक है। एंड कल भी हमारा फ्रेंच कैटेगरी का ड्रॉ आया था, 388 का कट ऑफ, एंड उससे पहले हमारा जनरल कैटेगरी का ड्रॉ आया था, राइट, ऑफ कट ऑफ 524, राइट। तो चलो भाई मिलते हैं दोबारा विनर टॉपिक एंड डिस्कशन, अपना ध्यान रखना भाई, एंजॉय, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।